दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर मिल गया, गुड्डू मुस्लिम और शायस्ता परवीन का ठिकाना सरेंडर कर सकते हैं दोनों आरोपी। ये आपको बता दें कि यूपी के प्रयागराज में बीते 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से माफिया अतीक अहमद की पत्नी और आरोपी शायस्ता परवीन फरार है। इसके अलावा इस केस का एक और आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी फरार है। पुलिस लगातार गुड्डू मुस्लिम और शायस्ता परवीन की तलाश कर रही है, लेकिन दोनों को पकड़ नहीं पाई। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक अहमद की पत्नी शायस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम दिल्ली या गुजरात में सरेंडर कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी एटीएस की टीम दिल्ली और गुजरात पहुंच गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों सरेंडर कर देंगे। अगली बड़ी खबर, क्या अतीक अहमद और अशरफ अहमद को विधानसभा में दी जाएगी श्रद्धांजलि? सतीश महाना ने कर दिया बड़ा खुलासा। ये आपको बता दें कि माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को लेकर एक सवाल सभी को बड़ा परेशान कर रहा है। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को श्रद्धांजलि दी जाएगी? ऐसा इसलिए कि लंबे समय से परंपरा चली आ रही है कि सदन के शुरुआत के बाद दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाती है। विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गैंगस्टर से नेता बने पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ अहमद को श्रद्धांजलि देने के बारे में कार्य मंत्रणा समिति विचार करेगी। पारंपरिक रूप से सदन के प्रत्येक सत्र की शुरुआत के बाद दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाती है। हालांकि पूर्व विधायक और पूर्व सांसद अतीक अहमद को अपहरण के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। राज्य में विधानमंडल के दोनों सत्रों की मानसून सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन अभी इसके लिए कोई भी तारीख तय नहीं की गई है। अगली बड़ी खबर, अतीक अहमद के शूटरों को किसने दी थी लाखों की जिगाना पिस्टल? कौन था मास्टरमाइंड? सबका हो गया खुलासा। ये आपको बता दें कि माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मीडिया कैमरों के सामने हुई हत्या के मामले में एक के बाद एक नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले शूटर्स के मास्टरमाइंड का अब पता चल गया है। इसके अलावा ये भी पता चल गया है कि शूटर को लाखों रुपए की कीमत वाली जिगाना पिस्टल किसने दी थी। सूत्रों की माने तो तीनों हमलावरों में से एक सनी ही पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। उसी ने बाकी दोनों आरोपियों लवलेश और अरुण को हत्या के लिए तैयार किया था। तीनों शूटर्स 13 अप्रैल को ही प्रयागराज पहुंच चुके थे, जहां पर उन्होंने एक होटल में स्टे किया। इसके बाद उन्होंने कचहरी तक की रेखी की और जानकारियां जुटाई कि अतीक और उसके भाई अशरफ को कितने बजे पुलिस मेडिकल लेकर जाती है। दोनों की हत्या करने के लिए होटल से सभी आरोपी एक एक करके निकले थे। सबसे पहले लवलेश निकला और फिर बाकी हमलावर निकले। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार सनी को दिल्ली के गोगी गैंग के लोगों ने जिगाना पिस्टल दी थी। इसी पिस्टल से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सवाल उठ रहे थे कि आखिर हमलावरों के पास में जिगाना कहां से आई। सूत्रों के अनुसार दिल्ली के गैंग ने सनी को यह पिस्टल किसी अन्य गैंगस्टर को मारने के लिए दी थी, लेकिन वो उसे नहीं मार सका था। यह हमला दिल्ली के किसी कोर्ट में किया जाना था। उसके बाद इसी पिस्टल से अतीक और उसके भाई की हत्या कर दी गई। इस पिस्टल की कीमत लगभग 6 से 8 लाख रुपए के बीच है। अगली बड़ी खबर, शायस्ता परवीन के समर्थन में गोरखपुर में धरने पर बैठ गए प्रोफेसर, बोले अतीक अहमद के परिवार को अब ना किया जाए परेशान। ये आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शायस्ता परवीन के समर्थन में गोरखपुर में प्रोफेसर संपूर्णानंद ने गांधी प्रतिमा के नीचे धरना दिया। शाहपुर निवासी संपूर्णानंद का कहना है कि अतीक के परिवार को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अतीक की पत्नी शायस्ता भय के कारण दर दर भटक रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आर्कियोलॉजी में पीएचडी करने वाले 58 वर्षीय डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्व संविदा शिक्षक रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में उन्हें 6 साल पहले बर्खास्त किया जा चुका है। शनिवार को वो टाउन हॉल पर गांधी प्रतिमा के नीचे अकेले ही धरने पर बैठ गए। उनके हाथ में एक तख्ती थी जिसमें लिखा था कि शायस्ता की तलाश क्यों, दूसरे हाथ में तिरंगा था। प्रोफेसर का कहना है कि कोई भी महिला इस तरीके से मारी मारी फिर रही है, ये हम सब के लिए कलंक की बात है। प्रोफेसर मल्ल का कहना है कि सरकार को अतीक अहमद के परिवार को वजह परेशान नहीं करना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए। शायस्ता को जिस तरीके से पुलिस परेशान कर रही है वो उचित नहीं है। मैं सरकार और प्रशासन से मांग करता हूं कि कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की जाए। अगली बड़ी खबर, नमाज के बाद जामा मस्जिद के पास लगे अतीक अहमद अमर रहे के नारे। ये आपको बता दें कि अतीक अहमद के समर्थन में देश भर से आवाजें उठ रही हैं। इसी कड़ी में जामा मस्जिद के पास अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी करने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में नारेबाजी करने वाले शख्स का नाम रईस गजनबी है, जो इस घटना के बाद से फरार है। रईस की जामा मस्जिद के सामने लगेज की दुकान है। नारेबाजी की घटना के बाद से उसकी दुकान भी बंद है। वहीं पुलिस इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि
कि क्या रईस फरार हो गया है, क्या पुलिस की तरफ से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, क्या उसकी तलाश की जा रही है, मगर पुलिस इन सवालों पर कुछ कहने से बच रही है। दरअसल स्टेशन रोड पर जामा मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज अदा करने के बाद रईस गजनबी अतीक अहमद अमर रहे का नारा लगाने लगा। वो अतीक अहमद को शहीद बता रहा था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। इस दौरान रईस गजनबी के साथ में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। इससे पहले कांग्रेस के प्रयागराज के पार्षद प्रत्याशी राजकुमार उर्फ रज्जू भैया ने भी माफिया अतीक अहमद को शहीद बता दिया था। यही नहीं, रज्जू भैया ने अतीक अहमद को भारत रत्न देने की मांग तक कर डाली थी और कब्र पर जाकर तिरंगा रखा था। बाद में पुलिस ने रज्जू भैया को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जबकि महाराष्ट्र के बीड जिले में अतीक अहमद का एक बैनर लगाया गया था जिस पर शहीद लिखा हुआ था। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तत्काल बैनर को हटा दिया और दो लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि प्रयागराज में अतीक व उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगली बड़ी खबर, केंद्र मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा ऐलान, बोले अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी करने वालों को भी गोली मार देनी चाहिए। ये आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद राजनीतिक गलियारों में भी ये मुद्दा गर्म है। केंद्र मंत्री अश्विनी चौबे ने उन लोगों की निंदा की जो अतीक अहमद को महिमामंडित करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऐसे लोगों को देखते ही गोली मार देनी चाहिए। बता दें कि पटना में अलविदा की नमाज के बाद कुछ लोग सड़क पर अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे। पटना के सिटी एसपी वैभव शर्मा ने कहा कि जुमा की नमाज अदा करने के बाद एक व्यक्ति अतीक अहमद अमर रहे की नारेबाजी करने लगा। इसी रिपोर्ट पर चौबे ने कहा कि यह घटना बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में इस तरीके की नारेबाजी हो रही है, ऐसे लोगों को तत्काल देखते ही गोली मार देनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, यूपी के 64 माफियाओं की लिस्ट जारी, टॉप 10 में ज्यादातर पूर्व सांसद और विधायक शामिल, मुख्तार अंसारी का नाम सबसे ऊपर। ये आपको बता दें कि अतीक गैंग का हश्र देखकर यूपी पुलिस की ओर से चिन्हित किए गए सभी माफिया इस समय खासे बेचैन हैं। कुल 64 लोगों की सूची में 10 से ज्यादा तो पूर्व जनप्रतिनिधि हैं। सूचीबद्ध माफियाओं में से 37 इस समय जेल में हैं तो 27 अभी भी बाहर हैं। फरार चल रहे माफिया तो सीधे तौर पर पुलिस के निशाने पर हैं। आपको बता दें कि डीजीपी मुख्यालय द्वारा तैयार की गई सूची में पूर्व सांसद वह पूर्व विधायक से लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख तक शामिल हैं। इनमें बलरामपुर का पूर्व सांसद रिजवान जहीरा, मऊ का पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, भदोही का पूर्व विधायक विजय मिश्रा, वाराणसी का पूर्व एमएलसी विजय सिंह, देवरिया का पूर्व एमएलसी संजीव द्विवेदी उर्फ रामू द्विवेदी और बिहार का पूर्व विधायक राजन तिवारी प्रमुख है। आपको बता दें कि इनमें सबसे ऊपर नाम मुख्तार अंसारी का है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में राहुल गांधी ने किया जबरदस्त रोड शो, बोले हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट है भाजपा की सरकार। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीख बेहद करीब है, पार्टियां आक्रामक तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं। इस बीच राहुल गांधी ने कर्नाटक में रविवार को बसवा जयंती समारोह में भाग लिया और एक रोड शो किया। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लिंगायत समुदाय तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य के बागलकोट जिले में बसवा जयंती समारोह में भाग लेने के लिए राहुल गांधी को शामिल किया। विजयपुरा में रोड शो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद 2,000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देगी, हर महीने 200 यूनिट बिजली हर परिवार को देंगे, हर महीने 10 किलो चावल हर परिवार को देंगे। सबसे जरूरी यह है कि हर महीने 3,000 रुपए हर ग्रेजुएट को देंगे, डिप्लोमा वालों को 1,500 रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट सरकार है, ये कम से कम 40% कमीशन लेते हैं जो भी काम करते हैं। पहली बार ठेकेदार संघ ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया और फिर प्रधानमंत्री मंच पर जाकर कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि अब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो ये उस सरकार को नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि इसमें 150 सीटें आएंगी। भाजपा की 40% कमीशन लेने की आदत है, इसीलिए भाजपा 40 सीटें ही जीत पाएगी। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 150 सीट के साथ अपनी सरकार बनाएगी जबकि भाजपा महज 40 सीटों पर सिमट जाएगी। आपका क्या मानना है, क्या कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
अगली बड़ी खबर, जगदीश शेट्टार ने राहुल गांधी से की मुलाकात, भाजपा छोड़ने की बताई वजह है। यह आपको बता दें कि पूर्व भाजपा नेता और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मोर्चा संभाल रहे जगदीश शेट्टार ने रविवार को राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी का हाथ थामने के बाद ये पहली बार है जब शेट्टार और राहुल गांधी के बीच में मुलाकात हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ इसलिए आना पड़ा क्योंकि भाजपा में उनके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा था। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शेट्टार ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में पहली मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी जानते हैं कि मैंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला इसलिए किया क्योंकि भाजपा में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने कहा कि इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला, बोले दूसरों से सवाल करना आसान लेकिन खुद से सवाल करना मुश्किल। ये आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कर्नाटक चुनाव में जमकर प्रचार कर रहे हैं। बागलकोट में आयोजित वसवा जयंती समारोह में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दूसरों से सवाल करना आसान है लेकिन खुद से सवाल करना मुश्किल है। कांग्रेस नेता ने महान कवि और समाज सुधारक बसवन्ना के बारे में बताते हुए कहा कि जहां अंधेरा होता है उसी अंधेरे में कहीं ना कहीं रोशनी भी निकलती है। उस समय समाज में अंधेरा था इसीलिए बसवजी अंधेरे में रोशनी बनकर निकले। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा मत सोचो कि समाज के सामने सच बोलना आसान है। आज हम उनके सामने फूल रख रहे हैं लेकिन जब वो जीवित थे तो उन्हें भी धमकी दी गई होगी, उन पर भी हमला किया गया होगा लेकिन वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। ऐसे ही आज सत्ता पक्ष सच से डरा हुआ है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि दूसरों से सवाल करना आसान है लेकिन खुद से सवाल करना मुश्किल है। अगली बड़ी खबर, विपक्षी एकता को धार देने में जुटे नीतीश कुमार, आज लखनऊ में अखिलेश यादव तो बंगाल में ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात। ये आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाने तथा इसे और मजबूती देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार दोनों नेताओं से एक ही दिन में ही मुलाकात करने क्रमशः कोलकाता तथा लखनऊ पहुंचेंगे। तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को विपक्षी एकजुटता के मुहिम का हिस्सा बनाने के लिए दोनों पार्टियों के प्रमुखों से नीतीश कुमार की बातचीत को राजनीतिक हलकों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीतीश कुमार के साथ में कोलकाता और लखनऊ की यात्रा में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के भी साथ रहने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से उत्तर भारत में समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को एकजुट करने का अनुरोध किया था। अब नीतीश कुमार अपनी दिल्ली यात्रा के महज 11 दिन के बाद उस अभियान को तेजी देने जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत पर एक बार फिर से फूटा सचिन पायलट का गुस्सा, कहा जिस काम के लिए वोट मांगे थे वो काम होगा कि नहीं। ये आपको बता दें कि राजस्थान के इस चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बार फिर से सिर्फ फुटबल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कोल्ड वार तेज हो गया है। बीजेपी राज यानी वसुंधरा राजे की पूर्ववर्ती सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर कार्यवाही के मुद्दे को लेकर सचिन पायलट अपने स्टैंड पर अड़ गए हैं। आज उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बेहद तल्ख अंदाज में वही सवाल पूछे जिनका जवाब उन्हें अब तक नहीं मिल सका है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक सचिन पायलट बस अपनी एक सूत्रीय मांग पर अड़े हैं। सचिन पायलट ने आज जयपुर में कहा कि जब हम सत्ता में आए थे तब हमने कहा था कि वसुंधरा राजे की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसे हम सामने लाएंगे, इसीलिए लोगों ने हमें वोट दिया था। अब चुनाव से पहले बहुत कम समय रह गया है, कार्यवाही करनी चाहिए। अगर हम वसुंधरा सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो यह गलत होगा। आपको बता कि इससे पहले इसी महीने अप्रैल के दूसरे हफ्ते में पिछली वसुंधरा राजे सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के कथित मामलों में कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट 11 अप्रैल को एक दिन के उपवास पर बैठे थे। कांग्रेस नेतृत्व ने इसे पार्टी विरोधी बताते हुए सचिन पायलट को इस तरीके के कदम के खिलाफ चेतावनी दी थी। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर उनसे बात करने वाले नेताओं के सामने लगातार तल्खी दिखा रहे हैं। सचिन पायलट ने नेताओं को अपना दोहराते हुए कहा कि बीजेपी राज के करप्शन पर जांच और कार्रवाई की मांग करना कांग्रेस विरोधी गतिविधि कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक बार फिर से पलटवार कर दिया है। उन्होंने पूछा कि जिस काम के लिए आपने जनता से वोट मांगे थे वो काम होगा या नहीं।
अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में जमकर गरजे गृह मंत्री अमित शाह, केसीआर पर बोला जोरदार हमला, बोले भ्रष्ट बीआरएस सरकार की उल्टी गिनती हो गई शुरू। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को तेलंगाना पहुंचे। यहां उन्होंने हैदराबाद के पास में रंगा रेड्डी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस की सरकार और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट बीआरएस सरकार की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभी अभी हमारे बंदी संजय को केसीआर ने जेल में डाल दिया। उनको लगता है कि भाजपा कार्यकर्ता जेल जाने से डरते हैं। केसीआर कान खोलकर सुन लो, यहां एक एक कार्यकर्ता आपके अत्याचार और जुर्म सहने से डरता नहीं है। हमारी लड़ाई तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक आपको गद्दी से नीचे नहीं उतार देते हैं। चेवेल्ला में संकल्प सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने टीआरएस को बीआरएस बना दिया। मुख्यमंत्री केसीआर को पता होना चाहिए कि यह तेलंगाना में उनका अंत है, वो भारत के प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यहां की पुलिस पूरे तरीके से राजनीतिक रंग में रंगी हुई है। पीएम मोदी यहां जो भी कल्याणकारी योजनाएं भेजते हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुंचती हैं। मुख्यमंत्री केसीआर चाहे कुछ भी कर लें, वे तेलंगाना के लोगों को पीएम मोदी से दूर नहीं रख सकते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री केसीआर से यह पूछना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार बनने से पहले तेलंगाना को पिछले बजट में क्या मिलता था। पहले तेलंगाना को 30,000 करोड़ रुपए मिलते थे और 2022-23 में पीएम मोदी ने 1,20,000 करोड़ रुपए दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विकास का काम केवल बीजेपी ही कर सकती है। अगली बड़ी खबर, धरना देने के लिए फिर से जंतर मंतर पर पहुंच गए देश के पहलवान, इंतजार के बाद लिया धरने का फैसला। ये आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर एक बार फिर पहलवान धरने पर बैठ गए हैं। दिल्ली पुलिस को लिखित में दी गई शिकायत के बावजूद भी 48 घंटे तक FIR दर्ज न होने से खपा पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सहित बड़े कुश्ती पहलवान जंतर मंतर पहुंचे, जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए महिला पहलवान खिलाड़ी विनेश फोगाट और साक्षी मलिक रो पड़ी। इस दौरान धरने पर बैठी विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता विनेश ने कहा कि देश के खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हमारा उत्पीड़न हुआ है, इस मामले में FIR दर्ज होनी चाहिए और जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दांव पर लगाकर हम यहां पर आए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल देश के पहलवान एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं। अगली बड़ी खबर, महिला पहलवानों की दिल्ली पुलिस ने FIR नहीं की दर्ज, अब स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को जारी कर दिया नोटिस। ये आपको बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। पहलवानों ने आयोग से शिकायत की है कि उन्होंने 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस को लिखित में शिकायत दी है, लेकिन अभी तक उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली महिला आयोग को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा महिला पहलवानों के साथ में यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायतकर्ता ने आयोग को सूचित किया है कि एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि आरोपी व्यक्ति भारतीय कुश्ती महासंघ में अपने कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के अपराध में शामिल रहा है। आपको बता दें कि अब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में नाबालिग की मौत पर बवाल के बाद कलियागंज में धारा 144 की गई लागू। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के कलियागंज इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या और पुलिस वालों द्वारा मृतका का शव घसीटते हुए वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला तूल पकड़ चुका है। इस घटना को लेकर भाजपा और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं शनिवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद रविवार को इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। एक पुलिस अधिकारी ने इलाके में तनाव और निषेधाज्ञा लागू होने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि CRPC की धारा 144 के तहत एहतियाती उपाय के रूप में इलाके में निषेधाज्ञा लागू की गई है। फिलहाल निषेधाज्ञा आज से एक पखवाड़े के लिए लागू की गई है, लेकिन समीक्षा के आधार पर इसकी अवधि बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जब तक इलाके में धारा 144 लागू रहेगी, एक साथ 4 या फिर उससे अधिक लोगों को इकट्ठे होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में नाबालिग की मौत पर बड़ा बवाल हो गया है। कलियागंज में इसको लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या इस बार विधानसभा चुनाव कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।